लेकिन जिसे मालूम है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए तो एक एक लम्हा यूं समझिए कि पोटेंशियली हमारी इस जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अबदी है, इसलिए कि इस लम्हे का नतीजा जो निकलने वाला है वो उस जिंदगी में निकलेगा जो अबदी है। तो नतीजे के एतबार से हमारी ये दुनियावी जिंदगी अबदी है, लिहाजा इसका एक एक लम्हा कीमती है। इसमें कौन सा वक्त होगा जो लग के हवाले किया जा सके, जो लग में बसर किया जा सके। ये एराज अन लग, जिसको हुजूर ने फरमाया है कि मिन हुस्निल इस्लामिल मरे तर्कहु माला, यानी एक इंसान के इस्लाम की खूबी ये भी है कि हर उस चीज को छोड़ दे जो लायानी है, जिसका कोई फायदा नहीं। हमारा जो वक्त भी यहां है या तो हमारी जरूरियात में सर्फ होना चाहिए, मसलन इस्तराहत, नींद, आराम, ये हमारी इस जिंदगी की एक जरूरत है। इंसान उसको उसमें लगा रहा है, ये अपने नफ्स का, अपने जिस्म का हक है जो दे रहा है। फिर अपने जिस्म के तकाजे हैं, पेट खाने को मांगता है, औलाद की परवरिश है, माश की जिद्दोजहद में जो वक्त लग रहा है वो भी यकीनन एक जरूरत का वक्त है, उसके अंदर सर्फ हो रहा है। इसके अलावा जो वक्त बचता है अब उसको सर्फ होना चाहिए। जैसे कि हदीस में आता है कि एक मरतबा इंसान कहता है सुभान अल्लाह, तो जन्नत में उसके लिए गोया कि एक बीज बनकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा और परवान चढ़ाएगा अल्लाह ताला उन दरख्तों को। और जब ये लोग जन्नती दाखिल होंगे जन्नत में तो हैरान हो जाएंगे हमारे आमाल इतने तो नहीं थे, तो अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हारे आमाल की परवरिश करता रहा, परवान चढ़ाता रहा, ये जो है आमाल तुम्हारे यहाँ पर परवान चढ़ते रहे। एक एक मर्तबा का कहना सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये दर हकीकत जन्नत में अपने लिए एक दरख्त लगवाने के मुतरादिफ है। लिहाजा वक्त कहाँ रह जाएगा बेकार जाय करने को, किसी ऐसे काम में ताश खेला जा रहा है। लग्व जो है हराम काम को नहीं कहते, जिन लोगों के ये औसाफ बयान हो रहे हैं वो किसी हराम काम में, किसी मासियत में उनका जो है मुलविस होना, उसको वो तो गोया के एक खारिज बहस शय है। असल शय क्या, लग्व शय, हराम तो नहीं है लेकिन यह कि बेकार है, न उससे दुनिया की कोई जरूरत पूरी हो रही है न आखरत का कोई नफा हासिल हो रहा है। काम वक्त जो है उसको सर्फ होना चाहिए या दुनिया की किसी जरूरत के पूरे होने में, और या फिर आखरत के लिए कोई इंसान अपने अजर व सवाब के लिए कोई काम कर रहा हो।